नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आजकल बच्चे सीनियर सिटीजन जो होते हैं घर में, माता पिता जो होते हैं, उनकी सेवा क्यों नहीं करते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन माता पिता ही होते हैं, ये नहीं कि बच्चे हैं। सबसे बड़ा रीजन माता पिता है कि उनकी सेवा क्यों नहीं हो रही है, उन्हीं की गलती रहती है। क्योंकि वो गलती क्यों रहती है इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर आप भी इस अवस्था से नहीं गुजरना चाहते हैं तो इन चीज़ों पे सुधार कर लीजिए और आपकी ताउम्र सेवा होती रहेगी। वृद्धावस्था में कितने भी वृद्धावस्था आ जाए, आपकी सेवा नहीं रुकेगी। और ये बिल्कुल 100% सच है, क्योंकि मैं वही चीज़ बताता हूँ। मैं बहुत रिसर्च करके वीडियो बना रहा हूँ, इधर उधर देख करके कि किन माता पिता की सेवा हो रही है, कौन से माता पिता की सेवा नहीं हो रही है। अगर इनकी सेवा हो रही है तो इसमें क्या रीज़न है, और इनकी सेवा नहीं हो रही तो क्या रीज़न है। तो मैं उस चीज़ को आप लोगों को व्यक्त करने जा रहा हूँ, इसकी व्याख्या बिल्कुल अच्छी तरीके से करना जा रहा हूँ। आप लोग भी सुन लीजिएगा, अगर सीनियर सिटीजन है वो भी सुने, जूनियर है तो वो भी सुने, क्योंकि ये भी सीनियर होंगे एक दिन। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो पूरी की पूरी इम्पॉर्टेंट है। जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी वीडियो, इसकी इम्पॉर्टेंस उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा। बड़ा मैटर है तो वीडियो के पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुँचाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कमेंट ऐसे आते रहते हैं और मैं जो बताता हूँ सच बताता हूँ, सच के सिवा कुछ भी नहीं बताता हूँ। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको खूब अच्छी तरह ये बात को मालूम है कि मेरे वीडियो में इधर उधर की बातें नहीं होती है। तो मैं कई एक जगह जा करके ये देखा हूँ कई एक जगह कि बहुत से माता पिता हैं, उनकी सेवा इतनी भयंकर हो रही है, इतनी भयंकर हो रही है कि हद से ज़्यादा। क्यों हो रही है, उसका रीजन क्या है? और वहीं बगल में और माता पिता हैं, उनकी सेवा नहीं हो रही है। ऐसा क्या है कि इनकी हो रही और इनकी नहीं हो रही? तो ऐसा क्या है कि अभी आप जाकर के देख लीजिए, जिनके माता या पिता पेंशनियर हैं, सरकारी सर्विस में थे, पेंशन पा रहे हैं, वो वृद्धावस्था में चार पाई पे लेटे हुए हैं। अगर उनको थोड़ी सी खांसी आ गई है, तत्काल सिरप आता है, अपने से दिन में 3 बार देखते हैं कि पिताजी की कहीं तबीयत गड़बड़ तो नहीं हो गई है, किसी प्रकार की नहीं है, डॉक्टर तत्काल चाहे झोले छाप को बुला के पहले बुखार जांच करवा लेते हैं। क्या भाई देखिए पिताजी कैसे, क्या बुखार चल रहा है, टेम्परेचर क्या बता रहा है। क्योंकि जैसे महीना पूरा होगा वो बैंक में जा करके अंगूठा लगा के पैसा निकाल लेंगे, नहीं बुला लाएंगे, इस समय तो घर घर निकाल देते हैं जा करके। इस उद्देश्य से उनकी इतनी सेवा होती है कि एक ही महीना भी और ज़्यादा जी जाएंगे। भैया कैसे भी करके इनको कुछ होना नहीं चाहिए। अब बिल्कुल सुबह पार एकदम उनका नाश्ता पानी जो हिसाब से दवा दर्पण, इतना भयंकर सेवा होती भाई, मैं देखने वाला हूँ। मैं कई जगह इस चीज़ को देख रहा हूँ, उस चीज़ को शेयर कर रहा हूँ, आप ये चीज़ को समझिएगा। अगर झूठा लगे आपको तो, अगर आपके आस पड़ोस या रिलेशन में कोई पिता माता ऐसे हैं जो पेंशनियर हैं, उनकी जाके देखिए सेवा कैसी हो रही है। बहुत बेहतरीन तरीके से हो रही है, क्योंकि ये ज़माना सिर्फ पैसे के ऊपर है। जितने बेटे बहू हैं लास्ट में वो माता पिता के ऊपर नहीं, प्यार में नहीं, पैसे में भगते हैं। और वहीं पड़ोस में कुछ लोग हैं जिनकी नहीं हो रही है। रीजन क्या है कि वृद्धावस्था आने से पहले वो अपनी पूरी संपत्ति बच्चों के नाम कर देते हैं। अगर नहीं नाम किए हैं तो उसका तल बितल करके किसी प्रकार धंधा बिजनेस के चक्कर में उसे बर्बाद कर देते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अपने वृद्धावस्था के लिए कोई सेविंग उनके पास नहीं है किसी प्रकार की, कि जब हम वृद्धावस्था हमारी आएगी तो हम कुछ ऐसा करें कि हमारे पास कुछ संपत्ति हो, कुछ डेरा ऐसे हो कि जिसे देख करके हमारे बेटे और बहू, पिताजी के हमारे इतनी संपत्ति अगर हम नहीं करेंगे दूसरा करेगा तो इसे खा जाएगा, तो उनकी एक मजबूरी बन जाए आपकी सेवा करना, आपकी देख रेख करना। आपको 40 साल के बाद, 40 साल एक ऐसा हो जाता है कि 40 साल में लड़के को का शादी ब्याह हो करके आदमी को बच्चे को पढ़ा लिखा करके 40 से 45 साल में सब कुछ बिल्कुल सही कर देते हैं। उसके बाद आपके पास 15 साल
20 साल ऐसा है कि 60 से 65 वर्ष तक इंसान कार्य कर लेता है, बस वही 4-5 साल की जो दिक्कतें होती हैं लास्ट में 2-4 महीने की, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट। इन जगह पे आपको अपने भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने उस अवस्था के लिए जहाँ पे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, उसके लिए आपको सेविंग करना चालू स्टार्ट कर देना चाहिए। चाहे वो आप 200 रुपये महीना ही क्यों ना स्टार्ट करें, अगर ज़्यादा आपकी आय नहीं है, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप 50,000 रुपये, 15,000 रुपये, 10,000, 5,000 महीना की वो करिए। अगर आपके पास आय नहीं है तो चाहे आप 2 रुपये ही रोज इकट्ठा करिए, पर उसको एक सेविंग रूप में इकट्ठा करते चले जाइए, ताकि वृद्धावस्था जब आपकी आए तो आपके बेटे बहू को ऐसा लगे कि धीरे धीरे करके जो आप 2-2 रुपये इकट्ठा करेंगे, ये मान के चलिए कि भारी पैसा हो जाएगा। और इसे देखते हुए आपके घर में आपकी क्रेज बनी रहेगी, वक्त मुसीबत आया उसकी जो ब्याज मिलेगी, जब पैसा ज़्यादा हो जाएगा फिक्स हो जाएगी उसकी ब्याज मिलेगी, वक्त मुसीबत आया महीने में जो भी 1,000 तो 1,000 निकाल के बेटे बहू को दे दिए हैं, वो भी खुश हो गए कि नहीं पिताजी हमारे इसके साग सब्जी को जुगाड़ कर दिए। क्योंकि आज की महंगाई में भैया अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो बहुत से लोगों को जीवन जीने में बहुत बड़ी दिक्कत है। यह तो बढ़िया अच्छा फन्ने क्लास बिजनेस चलता हो, बिजनेस एक ऐसी चीज होती है कि बिजनेस करो रुक जाता है और बर्बाद हो जाता है, सबका बिजनेस सक्सेस नहीं होता है। तो आपको भैया ये वीडियो देखने के बाद आज से ही सेविंग स्टार्ट कर देना है, और अपने बुढ़ापे के लिए पैसों को इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे हिसाब से इकट्ठा करो कि आपको मंथली बाय मंथली कुछ ना कुछ जरूर मिलता रहे, किसी भी रूप से आप करिए। अगर आपका अपना जीवन यापन लास्ट में सही रखना है तो अगर आप इतना काम कर लेंगे तो आपकी सेवा बराबर होती रहेगी। और ये चीज़ मैं हर जगह देख करके तब आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ और बता रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, नहीं बनाता नहीं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये बात पहुँच सके। धन्यवाद।